अब देखो लाइट चली गई है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक फायरमैन जो कि एनिमी कस्टमाइजेशन है, कुछ इस टाइप का आपके सामने होम स्क्रीन देखने को मिलता है। अब देखो इस सेटअप को आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में यूज़ कर सकते हो। वॉलपेपर की क्वालिटी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, एंड विजिट और आइकन का जो कॉम्बिनेशन है वो भी एकदम सुपर्ब है। तो इस सेटअप को कैसे अप्लाई करोगे सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो सेटअप को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स करना पड़ेगा। पहले बात कर लेते हैं Xiaomi स्मार्टफोन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे अदर एंड्रॉयड डिवाइस के बारे में। तो आपको क्या करना है, Xiaomi स्मार्टफोन में थीम स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब देखो ओपन करने के बाद आपको ये वाली थीम डाउनलोड करना है, हो सकता है HyperOS में आपको देखने को ना मिले, तो कोई भी एक डिफरेंट रेड आइकन वाली थीम यूज़ कर लेना, कंप्लीट वर्क करेगी। और ये वाले आइकन्स आप देख सकते हो, तो ये वाली थीम आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप फ्लैट रेड थीम का भी यूज़ कर सकते हो, सेम आपको आइकन देखने को मिलता है। तो कस्टमाइज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना एंड आइकन्स के ऊपर इसको अप्लाई कर देना। अब देखो आइकन्स के ऊपर मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद कुछ इस टाइप का होम स्क्रीन देखने को मिलता है। अब देखो पहले बात कर लेते हैं अदर एंड्रॉयड डिवाइस की। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद आपको टाइप करना है नोवा लॉन्चर, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है रेड आइकन पैक। अब देखो फर्स्ट नंबर पर ही आपको देखने को मिल जाता है, फ्री आइकन है और काफ़ी अमेजिंग आपको आइकन्स देखने को मिलते हैं, या फिर आप ये वाले आइकन्स भी यूज़ कर सकते हो। अदर आइकन्स आपको देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी सारे और भी आइकन्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने नोवा लॉन्चर से कंप्लीट सेटअप कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके वॉच कर सकते हो। अब ये वाला एप्लीकेशन आपको सभी स्मार्टफोन में डाउनलोड करना है। अब देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वाला एप्लीकेशन पेड वर्जन देखने को मिलेगा, इसको आप गूगल से या टेलीग्राम से फ्री निकाल सकते हो। अब देखो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ये अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर लेना। अब देखो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये एप्लीकेशन आपने जैसे डाउनलोड कर लिया, आपके सामने कुछ इस टाइप का होम स्क्रीन देखने को मिलेगा। अब देखो लाइट चली गई है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको क्या करना है, अब जो भी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप फॉलो करो। जैसे आपने तीनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर जूम इन करना है, विजिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, आपको यहाँ पे कस्टम विजिट देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे विजिट को ऐड कर देना। काफ़ी सारे लोगों को साइज़ ऐड करने में प्रॉब्लम आती है, तो साइज़ देख लो, फर्स्ट यहाँ पे कुछ इतना करना है, सेकंड एंड थर्ड तीन लेयर में यहाँ पे इस विजिट को कर देना। अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और जो भी आपने डिफ़ॉल्ट विजिट ऐड कर रखी है उसको रिमूव कर देना। अब देखो आपने KWGT कस्टम विजिट एप्लीकेशन जैसे डाउनलोड किया, इसके ऊपर क्लिक करके रखना, ऐप इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा परमिशन का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना एंड फाइल्स एंड मीडिया वाला फोल्डर देखने को मिलता है, इसको आपको अलाउ करना ही पड़ेगा, तभी आपके सामने विजिट इम्पोर्ट होगी। अदरवाइज आपको एक एरर देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ में भी बता रखा है, तो उसको आप ऑन कर देना। अब देखो आप पहले होम स्क्रीन वॉलपेपर को चेंज कर लेना। देखो होम स्क्रीन वॉलपेपर के लिए हम ये वाला वॉलपेपर यूज़ करेंगे। अब देख सकते हो क्वालिटी एकदम सुपर्ब है, लाइट में तो थोड़ा आपको क्वालिटी लो देखने को मिलता है, बट आप देख सकते हो अभी लाइट जा चुकी है एंड कुछ इस टाइप का यहाँ पे क्वालिटी देखने को मिलता है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको इसको होम स्क्रीन के ऊपर अप्लाई करना है। अब देखो लॉक स्क्रीन मैं कुछ टाइम से सेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि Xiaomi के स्मार्टफोन में अभी लॉक स्क्रीन सेट नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का होम स्क्रीन देखने को मिलेगा, जैसे आपने आइकन्स एंड विजिट को अप्लाई कर लिया। अब देखो मेन बारी आती है विजिट को ऐड करने की, तो यहाँ पे जैसे आपने विजिट को ऐड किया, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक विजिट देखने को मिलेगी, कौन सी विजिट है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इंपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट देखने को मिलेगी, उसको आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाली विजिट देखने को मिलती है, इसको आप जैसे डाउनलोड कर लोगे आपके सामने कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगी। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे आपको 5 से 10 सेकंड का वेट करना है एंड लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में ये वाली विजिट इंपोर्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे विजिट आ चुकी है, विजिट को आने के बाद आपको साइज़ को कुछ भी सेट नहीं,
करना है, ऑलरेडी मैंने सेट कर रखा है। बस अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो टच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको राइट कर देना और यहाँ से डिलीट कर देना, एंड आपके सामने ये विजेट ओपन नहीं होगी, एक बार में ही सेट हो जाएगी। उसके बाद आपको सेव का आइकन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखो जैसे आप सेव कर दोगे आपका होम स्क्रीन सेटअप रेडी हो जाता है। काफ़ी अच्छा होम स्क्रीन सेटअप है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में वर्क करेगा। एंड शाओमी में आप आइकन्स को थीम स्टोर से अप्लाई कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने आइकन्स को आपको डाउनलोड करना बता दिया है, ट्राई कर लो, एकदम सुपर फायरमैन वाला कस्टमाइजेशन है, तो ट्राई कर सकते हो। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कस्टमाइजेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।